यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई के हमारे आपतासो नेता हाथ कौंसल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई के हमारे याफ्ता सुन्नी तहत कौंसल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी तहत कौंसल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी तहत कौंसल की मखसूस नशिस्तों के मुतालिक महफूज फैसला भी सुना दिया है। मजीद अपडेट करें तो आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सुन्नी तहत कौंसल को मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं की जा सकती। सुन्नी तहत कौंसल खातीन और अकलीतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे के मुस्तहिक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63 की शक 6 इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत फैसला सुनाया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया गया है। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई के हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मुतल्लिक महफूज फैसला भी सुना दिया है। मजीद अपडेट करें तो आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं की जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63 की शक 6 इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत फैसला सुनाया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया गया है।